हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल की कॉर्मो ऐप के बारे में बताऊंगा, जो कि जॉब रिलेटेड ऐप है और बहुत यूजफुल है। ये अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। तो इसको अभी बहुत से लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है, वो आज भी जॉब के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, भाग रहे हैं, जबकि हो सकता है वो जॉब अवेलेबल हो उनकी करंट लोकेशन के आसपास ही। तो गूगल के ऊपर जितनी भी जॉबें पोस्ट होती हैं, गूगल ऑटोमेटिक उनको सर्च करके आपको नियर बाय सजेशन शो करता है, और आप अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन सिटी के वाइज भी आप इसमें जॉब को सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि आपको यहाँ पे अलग अलग वेबसाइटों में, जैसे naukri.com, job.com और इस तरह की जितनी भी वेबसाइटें हैं, timesjob.com, तो यहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ता, अलग अलग वेबसाइटों पे अलग अलग तरीके से सर्च नहीं करना पड़ता। गूगल ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा, आपको बस अपनी लोकेशन सेट करनी है। अगर आप सिटी वाइज सर्च करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी लोकेशन को एक्टिव कर देंगे, अपनी करंट लोकेशन को, तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन से सबसे क्लोज जो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो जॉब्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन शो करेगा। क्योंकि गूगल के ऊपर अगर कोई भी कंटेंट चढ़ता है, चाहे वो एक वर्ड का भी क्यों ना हो, गूगल उसको सजेस्ट कर सकता है, उसको लोकेशन के हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है और आपको उसका सजेशन शो करेगा। तो ये कॉर्मो ऐप में बहुत अच्छा फीचर है और बहुत ही सक्सेस हो रही है। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं तो भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप किसी भी तरह की जॉब को अगर ढूंढ रहे हैं तो भी आपके लिए ये गूगल कॉर्मो ऐप बहुत अच्छी है। तो इस ऐप को आपको कैसे एक्सेस करना है, जॉब को कैसे फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, ओवरऑल फीचर इस ऐप का क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इस गूगल कॉर्मो ऐप का इस्तेमाल करना है, जिसके थ्रू आप घर बैठे किसी भी तरह की जॉब में ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सके और घर बैठे आपको जॉब मिल जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये इसका आइकन है कॉर्मो जॉब्स का, जो कि गूगल की ओर से इंट्रोड्यूस हुआ है नियर बाय लोकेशंस जॉब के लिए। और इसका आइकन जो है वो एक काइट की तरह है, पतंग की तरह है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके मोबाइल में इसका आइकन शो होगा। तो स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से ये आइकन आ जाएगा बड़ा सा, और गूगल ने इंट्रोड्यूस करा है। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी गूगल की ही जीमेल आईडी से आपको इसमें लॉगिन करना होगा। तो जैसे देख सकते हैं ये जीमेल आईडी मेरी आ रही है, जिसमें कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो उसका ऑप्शन भी आ जाएगा, और अगर आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप कोई दूसरा या फिर कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसे मैं सेकंड वाली ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कंटिन्यू एस टू रियलिटी, जो कि मेरे यूट्यूब का चैनल का ही नेम है। इसी ईमेल आईडी से मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी रन करता हूँ, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर लूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आप कुछ सेकंड रुकेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। तो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछता है आप किस तरह के जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो आपकी जो भी प्रोफाइल हो आप उस हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे अभी इतने ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जो कि ऑलमोस्ट सारे वर्क को कवर कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मैं यहाँ पे जैसे वर्क विद आईटी का ऑप्शन है यहाँ पे, या फिर कंप्यूटर एंड आईटी सपोर्ट में करेंगे तो उसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप ऑप्शंस जब अपने मोबाइल में आप लॉगिन करेंगे इस ऐप में तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वर्क विद आईटी का ऑप्शन है तो यहाँ वर्क विद आईटी कर लेते हैं। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा और आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, वेयर डू यू वांट टू वर्क। अब ये आपसे आपकी जॉब लोकेशन पूछता है कि आप किस सिटी में वर्क करना चाहते हो। तो आपको पहले यहाँ पे अपनी करंट लोकेशन का ऑप्शन मिलता है ऊपर। तो ये करंट लोकेशन का जो ऑप्शन है आप इस पर पहले टैप कर देंगे तो ये आपकी करंट लोकेशन को एक्सेस करेगा, जिससे आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो देखिए, टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपको जो रियल टाइम पे आपके नियर अबाउट जॉब्स होंगी, कंपनीज होंगी जो कि आईटी से रिलेटेड होंगी, वो सब यहाँ पे शो होने लग जाती हैं। तो कंपनी ने जिस तरह की भी प्रोफाइल के लिए जॉब निकाली होती है वो सब यहाँ शो हो रहा होता है। वर्क विद आईटी का ऑप्शन जाएंगे तो कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ ऑल करेंगे तो सारे आ जाते हैं। अगर आपको कंपनी में डिटेल्स और पता करनी है कि किस तरह की जॉब इन्होंने निकाली है तो इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरा दिया है, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है, स्टार्ट कब हुई थी, अवेलेबल जॉब्स कितनी हैं, इंटरव्यू का डेट जो होती है वो भी यहाँ शो हो रही होती है।
अगर आपको ऑनलाइन रिमोटली इंटरव्यू देना है ऑनलाइन आके, तो देखिए वो भी उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर देयर रिज्यूम वाया व्हाट्सएप, तो आपको पहले यहाँ व्हाट्सएप से रिज्यूम शेयर करना होगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, जिसके बाद आप चाहे ऑफलाइन इंटरव्यू दे या फिर ऑनलाइन स्काइप पे इंटरव्यू दे या जैसे भी आपसे बताया जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी कंपनियों के ऑप्शन आ रहे हैं, आप जिस पे भी टैप करेंगे उसकी सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कंपनी ने आपसे क्या क्या मांगा है, कैसे मांगा है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी मैंशन है तो आप गूगल से कंपनी का नेम आपको मिल जाता है, आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो देखिए पहले इस तरह से लिस्ट आती है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा बता देता हूँ। देखिए जब नॉर्मल लिस्ट इस तरह से खुलेगी तो यहाँ सारी कंपनी आ रही है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको पहले उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई का बटन आ जाता है, अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो शेयर हो जाएगी कंपनी से, लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एज अ PHP डेवलपर iCloud EMS, ये कंपनी का नेम है, रेडी टू स्टार्ट द एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अब आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी जो आप चाहते हैं कि कंपनी से आपकी शेयर हो। तो जैसे यहाँ सबसे पहले जेंडर का ऑप्शन है, आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका लोकेशन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी लोकेशन है चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखिए या फिर आप एग्जैक्ट एड्रेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कंफर्म एंड अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आप जैसे ही करेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कंपनी के एंड पे पहुँच जाएगी और वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो ये सब आप मत भरिए, डायरेक्टली जो डिटेल आपको दिखती है यहाँ से आप खुद कॉल कर लीजिए या उनसे बात कर लीजिए, ये एक ऑप्शन होगी आपके पास। और आप बैक करते हैं, सबसे बाहर आते हैं, फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जब आप अपनी करंट लोकेशन सेट कर देते हैं तो उस हिसाब से ये जॉब आपको शो हो रही होती है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट चेंज करना है, मान लीजिए जैसे मैंने IT करके इसमें इंटर करा था, अगर चेंज करना है तो आप ये एडिट माई इंटरेस्ट का ऑप्शन है आप क्लिक करेंगे तो देखिए वापस से आप इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रुके रहेंगे तो देखिए डबल टिक हो जाएगा, और टिक करना है तो आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आपको टिक हटाना है, एक ही इंटरेस्ट शो करना है तो दोबारा से आप टैप करेंगे तो एक ही इंटरेस्ट यहाँ शो होगा। सेव करना चाहते हैं तो उसको देखिए सेव कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का, आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपकी लोकेशन के नियर अबाउट इंटरेस्ट ही यहाँ दिखते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए किसी दूसरी सिटीज़ में भी देखना, ज़रूरी नहीं है आपके घर के पास जो जॉब है आप उसी को करें, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करेंगे, जो आपका ये लोकेशन सर्विस का ऑप्शन आता है आप इसको पहले ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे बैक करेंगे, फिर से आप इसको ओपन करेंगे, तो उसके लिए जब बैक आप करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ सर्च करेंगे। अब यहाँ दूसरी सिटी का आप नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद यहाँ सर्च का ये जो बटन आपको मिल रहा है आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो उस सिटी में जो जॉब्स अवेलेबल होंगी तो देखिए इस तरह से वो जॉब्स खुल जाएंगी। अब आपको अगर यहाँ पे किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनी है नोएडा में, आप इस पर टैप करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई के लिए फिर से वही ऑप्शन है, देखिए इस तरह से ओपन होगा और आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर, होम लोकेशन और कॉन्टैक्ट करके आप कंफर्म करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन उस कंपनी के एंड पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये सब आपको पता चल गया कि कैसे आप किसी भी कंपनी के लिए कितने ईजिली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये गूगल ने नया लॉन्च करा है जो कि अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था, तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से जॉब नियर अबाउट मिल जाएगी बहुत आराम से, और आप घर बैठे आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है आपको उसमें, तो बहुत ही अच्छा है COVID-19 के समय। अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आप ऊपर देख रहे हैं ऐड योर कॉन्टैक्ट इन्फो, आप यहाँ पे टैप करेंगे तो जो ऑप्शंस बार बार आपसे पूछ रहा था जब आप किसी जॉब के लिए करते हैं तो वो ऑप्शन एक बार आप यहाँ से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे तो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी Gmail ID से साइन अप करा है, लेकिन आप अपनी Gmail ID से साइन अप करेंगे अगर आपका यहाँ ओरिजिनल नेम आ रहा है जो कि आप आइडेंटिटी प्रूफ में यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो होम लोकेशन है या जो करंट लोकेशन आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है वो आप पूरी लोकेशन यहाँ डालेंगे, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आप यहाँ पे डालेंगे और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप ये फिल करके सेव कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा जब आप जॉब अप्लाई के लिए करेंगे।
उसके बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिर यहाँ देखिए ऊपर एक प्रोफाइल का ऑप्शन और मिलता है, आप यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए पहले तो एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं फिर से इसी ऑप्शंस को। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो रिज्यूम आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, आपको सबमिट करना होता है। यहाँ तक कि बहुत सी ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब हो रहा है कि वो फॉर्म ना भरा के आपसे ईमेल के ऊपर अपना रिज्यूम, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब आपसे मांगा जाता है। इसके लिए आपको एक बेस्ट लुकिंग सीवी चाहिए होती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सीवी चाहिए होती है। तो सीवी बनाने के लिए मैंने एक वीडियो अभी जल्दी ही बनाई है, जिसका यूआरएल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें आप इजीली बहुत ही आराम से प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सीवी होगी आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ वर्क एक्सपीरियंस है, आप में क्या एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं जो हैं आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। पहले आपको अगर एक्सपीरियंस है तो पोजीशन डालेंगे, कहाँ पे काम कर रहे थे वो आप डालेंगे, स्टार्ट डेट क्या थी, अगर करेंटली वर्क कर रहे हैं तो टिक कर देंगे, अगर नौकरी छोड़ चुके हैं या छूट गई है तो आप यहाँ एंड डेट डालेंगे। और यहाँ पे पूछा है कि आप इस कंपनी में जिस भी पोजीशन पे थे वहाँ पे क्या काम करते थे, आप वो चीज़ें फिल करेंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से फिर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एजुकेशन की डिटेल्स भरनी होगी, आप यहाँ पे सारी एजुकेशन की डिटेल्स भर लेंगे, जिसमें एजुकेशन लेवल है, फील्ड ऑफ स्टडी है, स्टार्ट डेट है, करंटली अगर स्टडी कर रहे हैं तो भी मेंशन कर सकते हैं, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो भी आपको हायर करेगी, नहीं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ एंड डेट डालेंगे। और व्हाट डिड यू लर्न में आप अपना जो क्वालिफिकेशन का कोर्स है, कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन या इंटर जो भी हो, आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर सेव का बटन है, आप यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर आप यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस पूछा है, जिसका भी रेफरेंस दे रहे हैं उसका नेम लिखना होगा, रिलेशन क्या था आपका उससे, जैसे वर्क रेफरेंस था, एजुकेशन रेफरेंस था या पर्सनल रेफरेंस था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्कूल में किसी फ्रेंड का भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, अगर किसी ग्रेजुएशन डिग्री में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर कोई वर्क से रिलेटेड किसी दोस्त का देना चाहते हैं या एम्प्लॉय का देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट कंपनी कौन सी थी, पोजीशन क्या थी, फ़ोन नंबर क्या था, ईमेल और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो आपको भरनी है, ये आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर देंगे, तो कंपनी हो सकता है इनसे भी कांटेक्ट करे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन है इंग्लिश, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है या ऑल लैंग्वेजेस आती हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो पेंसिल का बटन है आप इस पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो आप इस तरह से टिक कर लेंगे और सेव कर देंगे। अब देख सकते हैं दो लैंग्वेज हो जाएंगी। इस तरह से आपको जितनी भी लैंग्वेज आती हैं आप पेंसिल के ऊपर टैप करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन फिर से एडिट का आता है, आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फिर आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप चाहे तो एक से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट था तो यहाँ पर मैं एक और IT का सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने देखिए ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे योर इंटरेस्ट के अंदर अब दो ऑप्शंस आने लग गए, लेकिन ये यहाँ से डायरेक्टली हटता नहीं है और ना ही यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेव कर पाएंगे। तो उसके लिए यही ऑप्शन है, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये एडिट का बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट सेट करना है और एक से ज़्यादा तो कर सकते हैं, हटाना है तो आप इजिली हटा देंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी प्रोफाइल को मेंटेन कर लेंगे। और जॉब्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे सर्च करना है, उससे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, उसके बाद ही जॉब्स को सर्च करेंगे। उसके बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन भी देख रहे हैं, आपको यहीं पे प्रोफाइल के ऊपर मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का है, इंडिया है, अगर आप चेंज करना है, नोटिफिकेशन रिसीव करने हैं कि अगर किसी जॉब से भी आपको नोटिफिकेशन भेजा गया है, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन अगर आपको चेंज करनी है, जो कि आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि करंट लोकेशन ऑटोमेटिक सेट हो गई थी, अगर आप चाहे तो उसको भी यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये ऑप्शन आपको यहां से फिर मिल जाता है, आप स्क्रॉल करके अगर कोई दूसरी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो सिटी का ऑप्शन आपके पास यहाँ नहीं आ रहा तो ये नन ऑफ अबव का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च लोकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। चेंज कंट्री का भी ऑप्शन है, अगर आप किसी और कंट्री में अगर सर्च करना चाहते हैं जॉब को तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गूगल वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया के लिए काम करे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है इस ऐप का। आप यहाँ से बैक करेंगे और भी मैं फीचर्स जो है मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ इनवाइट फ्रेंड है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने किसी फ्रेंड को अगर इनवाइट करना चाहते हैं इस ऐप के लिए तो देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उनको डायरेक्टली जो भी आपके पास ऐप है अपने फ्रेंड को इनवाइटी लिस्ट भेज सकते हैं कि इस तरह की ये ऐप है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, आप उसको शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद कोई हेल्प या फीडबैक अगर आपको देना है इस ऐप से रिलेटेड तो दे सकते हैं। अबाउट ऑप्शन है, अबाउट में ये कॉर्मो जॉब्स के बारे में आपको बताया जाता है, टर्म्स एंड सर्विस क्या है, FAQ है, प्राइवेसी पॉलिसी और सॉफ्टवेयर नोटिस के बारे में। और लास्ट ऑप्शन साइन आउट का है, अगर आप इसमें से साइन आउट करना चाहते हैं तो साइन आउट कर सकते हैं। दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और अगर आपको अकाउंट डिलीट करना है, नहीं यूज़ है इस ऐप का, तो आप लास्ट में ऑप्शन है डिलीट अकाउंट का, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है अभी के लिए, आपके लिए घर बैठे जॉब सर्च करने की सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसी में। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और देख सकते हैं जॉब एक्टिविटी का। अब उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन और बचा है यहाँ पे, जो कि है जॉब एक्टिविटी का। इस जॉब एक्टिविटी के ऑप्शंस में आप जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन रिवर्ट आता है तो आपको यहीं पर मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं अभी किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था। आप जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वो सबके नोटिफिकेशंस यहाँ आपको दिख जाएंगे, और आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि उस जॉब के लिए आपने करा था तो कोई नोटिफिकेशन या रिवर्ट तो नहीं है। इस तरह से आप डायरेक्टली फिर से अगर किसी जॉब को खोलना चाहेंगे जिसको आपने इंटरेस्ट शो करा था और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है इस कॉर्मो ऐप के थ्रू आप घर पर बैठे जॉब ढूंढने का। और एक ऑप्शन आपने इसमें और देखा हो CV अपलोड का, तो अगर आपको CV अपलोड करनी है या प्रोफेशनल CV बनानी है तो उसका URL भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा है, आप उसके देख के भी एक प्रोफेशनल CV बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर है उसको प्रोफेशनल CV बनाने को, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी CVs मिलती हैं वो पेड होती हैं। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई है कि जिसके थ्रू आप फ्री में प्रोफेशनल CV को भी निकाल सकते हैं और आप कहीं भी उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है इस ऐप को लेके तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।